अदानी और अंबानी की जो मीडिया है, एबीपी चैनल, आज तक जितने भी चैनल हैं वो सब माननीय योगी और मोदी के चैनल हैं और उनको वो फाइनेंस करते हैं। इसलिए हम लोगों को इसलिए नहीं दिखाया जाता कि अगर बहन जी को अगर हम दिखाएंगे 10 सीट तो आएंगी 100 सीट। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज में, हमारे साथ में मौजूद हैं अधिवक्ता साहब अनुज गौतम और प्रयागराज मंडल के कोऑर्डिनेटर हैं, उनसे भी बात करेंगे क्या माहौल लगा। बहन जी आई थी, बहन जी से क्या सीख मिली सर? मानिया बहन जी, ये जो भीड़ आई है, मानिया बहन जी के सच्चे सिपाही सेक्टर और बूथ के पदाधिकारी हैं, विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष लोग हैं, जिला के प्रभारी हैं और किसान, शिक्षक, बेरोजगार, पूरे उत्तर प्रदेश में जो गुंडा राज है, 700 से ज़्यादा अधिक ब्राह्मणों की हत्या हुई है, हाथरस कांड हुआ है और हाथरस कांड हुआ है, पूरे प्रदेश में जो अराजकता का माहौल है, पूरा उत्तर प्रदेश मानिया बहन जी को एक टक एक निगाह से देख रहा है। इस रैली से, इस जनसभा से पूरे इलाहाबाद प्रयागराज मंडल में हम 28 यानी पूरे प्रयागराज में कौशाम्बी, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, सभी 28 सीटों पर पूर्ण बहुमत से हम लोग रहेंगे यहाँ और मजबूती के साथ हमारे प्रत्याशी जीतेंगे और मानिया बहन जी 5वीं बार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की बनने जा रही हैं, इसमें कोई रोक नहीं सकता। जय बोल। आप कह रहे हैं कि बहन जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं और मीडिया कहती है कि बसपा कहीं नहीं है, टक्कर में नहीं है, दिखाई नहीं दे रही है। देखिए, हमारा जो वोटर है गाँव में रहता है, 85% वोटर जो हमारे गाँव में रहते हैं, उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में जो सी वोटरों से लिया जाता है, वहाँ पर चौराहे पर जो बड़े लोग हैं उनसे 5 लोगों से राय लिया जाता है। जो हमारा वोटर बहुजन समाज पार्टी के वोटर हैं वो गांव में रहता है 85%। इसलिए हमेशा ये अदानी और अंबानी की जो मीडिया है, एबीपी चैनल, आज तक जितने भी चैनल हैं वो सब माननीय योगी और मोदी के चैनल हैं और उनको वो फाइनेंस करते हैं। इसलिए बहुजन समाज पार्टी के जो निचले स्तर की जो मीडिया है, जैसे कि जो छोटी छोटी मीडिया, सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं तो बहुजन मीडिया को क्या कहेंगे? बहुजन मीडिया हमारी पूरी तरह से एकदम दुरुस्त है और जो पैसे से जो बुलाई जाती भीड़ों को, जैसे एबीपी चैनल हो गया, आज तक चैनल जो हो गया है, इस चैनल पे हम लोगों को इसलिए नहीं दिखाया जाता कि अगर बहन जी को अगर हम दिखाएंगे 10 सीट तो आएंगी 100 सीट। इसलिए वो हमेशा, जैसे 2007 में उनको दिखाया गया था 47 सीट, आज की डेट में मानिया बहन जी को जो सोशल मीडिया पर चल रहा है, लगभग 250 सीट हम प्लस करने जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम लोगों को भले ना दिखाएं लेकिन हमारा वोटर गांव में बसता है और किसान परेशान है, शिक्षक परेशान है। बीजेपी कहते हैं कि दलित की बेटी दौलत की बेटी हो गई, जिस तरह से जो है जहाज से आती हैं जहाज से उड़ जाती हैं। मानिया बहन जी दलित की बेटी हैं और बहुत ईमानदार वाम से कैडर से उठी हुई हैं। जो ये लोग कह रहे हैं, मैं एक लाइन में कह देना चाह रहा हूँ, चोर चोर मौसरे भाई, जिनके पास आय से अधिक संपत्ति है, मानिया बहन जी एक गरीब की बेटी हैं, उनका सब कुछ आपने चेक करा लिया हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक, उनके पास एक रुपया नहीं, उनके नाम से एक प्रॉपर्टी नहीं है। और मानिया बहन जी गरीब की बेटी हैं और गरीबों के साथ हमेशा खड़ी रहती हैं, उनके पास कोई आय से अधिक संपत्ति कुछ कोई ऐसा मामला नहीं है। जो ये कहते हैं दलित की बेटी है, मानिया बहन जी एक गरीब की बेटी हैं और हम लोगों को पूरे उत्तर प्रदेश में जिन्होंने दलितों का एक उत्थान लिया, मानिया बहन जी के चेहरे को देखती हैं और पूरा उत्तर प्रदेश मानिया बहन जी को एक टक देख रहा है। 2022 में मानिया बहन जी को सरकार बननी तय है। जय बहुजन, जय समाज पार्टी। हमारे साथ में जो है अनुज गौतम जी उपस्थित थे और मंडल कोऑर्डिनेटर हैं, वो भी कह रहे हैं कि 10 मार्च को जो है मायावती जी आ रहे हैं।